सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। आरक्षी दीक्षांत समारोह यहां जारी है और यहां संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आरक्षी दीक्षांत परेड समारोह है ये, और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं सम्मानित करते हुए पुलिस अधिकारियों को। पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान, महिला जवान इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो लखनऊ से ये खास तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके साथ डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद हैं। तो आरक्षी दीक्षांत परेड समारोह यहां अवलोकन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जवानों को, पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करते हुए। दरअसल अब परेड का यहां पर आयोजन हो रहा है और परेड का अवलोकन कर रहे हैं जो जवान उनके सामने से निकले, उनको सैल्यूट करते हुए। डीसीपी डीजीपी ओपी सिंह उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि दरअसल लगातार पुलिस की छवि पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। पिछले दिनों जो इतने सारे मामले आए, खास तौर पर महिलाओं से जुड़े हुए मामले, लेकिन योगी आदित्यनाथ का हमेशा कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ दिखता है। पुलिस को हमेशा वो मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये राज्य है, 75 जिले इस राज्य में, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के हाथ में। और जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं उसके बाद से इन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बहुत से अहम कदम जरूर उठाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल सवाल भी लगातार खड़े होते रहे हैं। ये तस्वीरें आप लखनऊ से देख पा रहे हैं, आरक्षी दीक्षांत समारोह। डीजीपी ओपी सिंह भी इस मंच पर मौजूद हैं। तो अब कुछ संबोधित करने के लिए डीजीपी ओपी सिंह इस वक्त माइक की ओर बढ़े हैं। तो मंच से क्या संबोधित करते हैं, खास तौर पर पुलिस की भूमिका को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये सुनते हैं। हमारे प्रदेश के सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद के हमारे मंत्रीगण, लखनऊ के महापौर, अपर मुख्य सचिव गृह, उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रशासनिकगण, इस दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हुए विभिन्न अतिथिगण, हमारे रिक्रूट के परिवारजन और इस परेड में शामिल हो रहे हैं हमारी सभी रिक्रूट महिला पुलिसकर्मी एवं साथियों, सबसे पहले मैं अपने महिला रिक्रूट आरक्षियों के शानदार एवं भव्य परेड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लखनऊ एवं सीतापुर में प्रशिक्षित 600 से अधिक महिला आरक्षियों के इस दीक्षांत परेड में जो मार्च करके अपने फुट ड्रिल एवं आर्म्स ड्रिल का प्रदर्शन किया, वह सचमुच में सराहनीय है। मैं इस परेड के कमांडर, सभी टोलियों के कमांडर्स एवं ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रदर्शन से कठिन और सारगर्भित ट्रेनिंग का एहसास कराया है।
मैं इस दीक्षांत समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से इस पासिंग आउट परेड के लिए समय निकाला। महोदय, आपकी उपस्थिति एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदेश को सक्षम एवं व्यवसायिक रूप से दक्ष पुलिस बल के लिए हमेशा आगे और कटिबद्ध बनाता है। पिछले 2 सालों में पुलिस भर्ती की कार्यवाही में तेजी लाते हुए रिकॉर्ड समय में पहले से लंबित चल रही कई हजार आरक्षी एवं पीएसी की भर्ती की प्रक्रिया को आपके द्वारा पूरा कराया गया। आपने भर्ती में जितनी रुचि दिखाई वो शायद पहले कभी नहीं दिखाई गई थी। अभी तक 80,000 से ज्यादा सीधी भर्तियों की गई है, जिसमें 75,000 से ज्यादा आरक्षी हैं। सब इंस्पेक्टर 3,500 से ज्यादा, लिपिक वर्ग लगभग 250 और कंप्यूटर ऑपरेटर्स 600 से अधिक, इन सभी की भर्तियां पिछले 2 वर्षों में की गई हैं। पिछले 2 वर्षों में न केवल हमने भर्तियां की हैं, बल्कि 46,000 से भी ज्यादा पदोन्नति दी गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस पूरे 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये निर्देश दिया कि न केवल भर्तियां की जाए, बल्कि जो बहुत समय से लंबित हमारे प्रमोशन हैं, उनको भी किया जाए। और यही कारण है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी में 35,000 से ज्यादा प्रमोशन दिए गए, और इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टर्स में भी 11,000 से ज्यादा प्रमोशन पिछले 2 वर्षों में दिए गए। सीधी भर्ती के लिए 61,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट की कार्रवाई वर्तमान समय में प्रचलित है, और प्रमोशंस के लिए 33,000 से भी ज्यादा की कार्रवाई प्रचलित है, जो आने वाले 2 से 3 महीनों के बीच कर दिया जाएगा। इसी प्रकार इस वर्ष हमने लगभग 5,000 पदक व सम्मान चिन्ह विभिन्न पुलिस कर्मियों को दिया है, जिनमें राष्ट्रपति का पदक, पुलिस पदक, गृह मंत्रालय भारत सरकार का उत्कृष्ट सेवा पदक, महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पुलिस पदक दिया जाता है वो इसमें शामिल है। महोदय, वर्ष 2018 में प्रदेश में पहली बार इतनी संख्या में भर्ती की गई, और उस भर्ती के बाद प्रशिक्षण का जो दौर चला, उस प्रशिक्षण में हम लोगों ने पहली बार केंद्रीय पुलिस संगठनों को भी शामिल किया। पहली बार हम लोगों ने डिजिटल प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया, और 31 ऐसे केंद्र थे जिस पर वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए गए, जिससे महत्वपूर्ण विषयों पर सीधे प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के साथ साथ और भी कई चीजों को हम लोगों ने शुरुआत की। महोदय, आप ही ने अपने कर कमलों द्वारा इस वर्चुअल क्लासरूम को वर्ष 2018 में शुरुआत किया था, और आप ही के द्वारा इस पूरे ट्रेनिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, जिनमें मुख्यतः 2 नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शामिल है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, महिला आरक्षी दीक्षांत परेड थी, यानी कि महिला जो पुलिस में भर्ती हुई हैं, उनकी ट्रेनिंग होने के बाद औपचारिक रूप से आज उनकी ये परेड हुई, और उसके बाद वो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगी। इसका अवलोकन करने हुए यहाँ खुद पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि किस तरीके से मंच पर बोल रहे थे डीजीपी ओपी सिंह। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वो पुलिस को लेकर, पुलिस विभाग को लेकर अच्छे खासे संवेदनशील है, और पिछले 2 सालों में अच्छी खासी भर्तियां की गई हैं। चेतन चौहान जी, श्री मोहसिन रजा जी, श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग श्री सुजानवीर सिंह जी, पुलिस और प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, महिला रिक्रूट आरक्षियों के सभी परिवार के सदस्यगण, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के सभी मित्रगण,
उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला रिक्रूट आरक्षियों के इस दीक्षांत परेड में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज यहां 677 महिला रिक्रूट आरक्षियों की प्रशिक्षण पूर्ण करने की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस लाइन लखनऊ स्थित आरटीसी में प्रशिक्षणाधीन 389 महिला रिक्रूट आरक्षी का पुलिस लाइन सीतापुर की आरटीसी में प्रशिक्षणाधीन 288 महिला रिक्रूट आरक्षी सम्मिलित हैं। 6 माह का एक योग्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो शानदार दीक्षांत परेड यहां पर अभी इन महिला रिक्रूट आरक्षियों के द्वारा यहां पर संपन्न किया गया है, यह सचमुच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। जून 2019 के पहले इनमें से बहुत सारी बालिकाएं ऐसी रही होंगी जिन्होंने एक खाकी यूनिफॉर्म पहनी नहीं होगी। हो सकता है बहुत सारी बालिकाएं ऐसी रही होंगी जिन्होंने एनसीसी के सामान्य प्रशिक्षण में भाग लिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें कभी भी इन कार्यों में हो सकता है रुचि भी न रही हो, और रुचि हो भी तो वहां पर यह सुविधा न होने के कारण उन्होंने कभी भी इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया होगा। लेकिन इन 6 महीनों के कठिन परिश्रम में जो एक प्रशिक्षण उन्होंने यहां पर प्राप्त किया है, यह प्रशिक्षण ही आप सबको एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मी के साथ साथ व्यावसायिक रूप से दक्ष पुलिस फोर्स के एक अभिन्न अंग के रूप में आज अपने आप में समाहित कर रहा है, और इस दृश्य इस शानदार परेड के लिए मैं इन सभी महिला रिक्रूट आरक्षियों को हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं अभी हाल ही में 24 नवंबर को भी डॉक्टर बीआर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अन्य प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड में मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। मेरा मानना है कि पुलिस फोर्स की आत्मा उनके प्रशिक्षण में है। प्रशिक्षण के दौरान हम अपने बल के बारे में, उसके अनुशासन के बारे में और उसके द्वारा व्यवसायिक रूप से दक्ष जिस पुलिस ट्रेनिंग को लेते हैं, कि जीवन पर्यंत हम सब के साथ एक अनुभव के रूप में हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करता है। और इस दृश्य में अब यहां पर जो महिला
रिक्रूट आरक्षी आज अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके शिक्षांत परेड के माध्यम से पुलिस फोर्स का एक पार्ट बनने जा रहे हैं। उन्हें व्यावहारिक जीवन में आम जन की सेवा करने का जो एक अवसर अब प्राप्त होने वाला है, मैं उस सबसे यही कहूंगा कि मैं अक्सर इस बारे में देखता हूं कि पुलिस के प्रति, पुलिस का आम जनता के प्रति जितना नजदीक का संबंध है, वह संबंध कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियों के कारण कभी बाधित हो जाता है। लेकिन जहां पर व्यवस्थित प्रशिक्षण देने के उपरांत यही पुलिस फोर्स किसी एक अभियान के तो बड़ी खबर इस वक्त की, महिला आरक्षियों की ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब औपचारिक रूप से महिला रिक्रूट्स पीएसी यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड फोर्स जो कि यूपी पुलिस का ही एक अंग है, उसमें वो भर्ती हो जाएंगी। तो महिला अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी, सीएम वहां पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक बेहतर ट्रेनिंग हुई महिलाओं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये सपना है, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, और उसके तहत महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिले। ऐसे में जरूरी है कि सूबे की जो बेटियां हैं वो सशक्त हों। तो लखनऊ सीतापुर में पूरी की गई ये ट्रेनिंग और उसके बाद आज ये दीक्षांत समारोह था जहां पर परेड भी की गई इन महिला कर्मचारियों द्वारा, जिसका अवलोकन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खुद यहां पहुंचे थे, अन्य मंत्रीगण भी यहां पहुंचे थे, मंच पर ही मौजूद थे। इसके अलावा डीजीपी ओपी सिंह ने भी यहां नई रिक्रूट्स को संबोधित किया। तो महिला आरक्षियों की ट्रेनिंग पूरी हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से बोलते हुए उनको मोटिवेट करते हुए और ये कहते हुए कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्रायोरिटी है,